नमस्कार, मैं हूँ सुमश्री विश्वास और आज मैं लेके आई हूँ मेरे गार्डन का टूर। और इस टूर को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो बिल्डिंग का नीचे का पोर्शन है, यहाँ पर मैं रहती हूँ। तो चलिए करते हैं मेरे स्प्रिंग सीजन में मेरा गार्डन कैसा दिखता है उसका टूर। और यहाँ पर मैंने तरह तरह के रंगों के इम्पेशंस फ्लावर लगाए हैं। और आपको ये मैं बाउंड्री वॉल दिखा रही हूँ, उसके आगे मैंने थोड़ा कलरफुल प्लांट्स भी लगाए हैं ताकि जब फूल ना भी रहे तो भी मेरा गार्डन कलरफुल दिखे। और यहाँ पर एक बाउंड्री मैंने बैम्बू से भी बनाया है, ये ग्रीन कलर का। और इस बाउंड्री को लगाने के बाद ये गार्डन में चार चांद लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी सी पेड़ है, ये देखिए कितना बड़ा है। ये पेड़ बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है मेरे इस गार्डन को। और ये तरह तरह के रंगों के इम्पेशंस फूल। और तो चलिए देखते हैं और पूरा गार्डन मेरा कैसा दिख रहा है। यहाँ पर भी मैंने कुछ इम्पेशंस फ्लावर लगाए हैं और ऊपर टब में बोगेनविला है, ये भी बहुत सारे कलर के अभी खिले हुए हैं। ये थोड़ा सा डार्क पिंक कलर का है। और यहाँ पर ऑरेंज और रेड और कुछ पीले भी है। और सामने स्पाइडर प्लांट है वाइट टब में और नीचे इम्पेशंस फ्लावर है। ये मल्टी कलर के होते हैं, कभी कभी ये ड्यूअल कलर के भी होते हैं, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर इस तरह से तरह तरह के फूलों के साथ ये मेरा गार्डन। और ये है मेरा बेल्कनी, इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और इस पर यहाँ पर भी मैंने इस तरह से इम्पेशंस फ्लावर लगाया है, ये तुलसी का पौधा। और यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, गार्डन इज फिल्ड विथ लव। और सचमुच बहुत सारे फूल खिल के मेरे ये गार्डन को बहुत ही प्यारा बना रहा है, ये देखिए बहुत ही सुंदर। मैं सुबह उठ के ही इन नज़ारे को देखने के लिए बाहर निकलती हूँ और उसके बाद दिन में कई बार इन फूलों को देखने के लिए मैं आती हूँ। मुझे ये फूल देख के बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए एक छोटा सा भमरा भी इस फूल में आके बैठा है। और इस तरह से ये मेरा इम्पेशंस का पौधा फूलों से भरा हुआ इस तरह से। और यहाँ पर मैंने दो डक भी रखे हैं और इस पर स्पाइडर प्लांट लगा दिया है, ऐसा लगता है कि इसका जो विंग्स है। और यहाँ पर है मेरा लोटस का पौधा, इस पर कुछ फूल पहले खिले हुए हैं और अभी नया से ये पौधा आ रहा है। और इस तरह से लोटस और सामने दो डक। और ये रहा मेरा गार्डन। आपको ये मेरा गार्डन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी मैं दिखाना चाहूँगी कि मैंने कुछ जो पौधे लगाए हैं, मैं सबके नाम तो नहीं जानती। ये मेरा एरेका पम, लेकिन और ये टोको के पौधे बोलते हैं। और इस तरह से ये सब पौधे मैं सबके नाम नहीं जानती, लेकिन मुझे प्लांट का बहुत शौक है तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा कलेक्शन किया है और आपको मैं ये सब दिखाना चाहती हूँ। ये जो पौधे हैं मुझे बहुत पसंद है और सब बहुत ही सुंदर कलर ऐड कर रहे हैं मेरे गार्डन में। और इस तरह से तरह तरह के पौधे अलग अलग रंगों के साथ। और इस तरह से यहाँ पर ये सब, मतलब मैं इन्हें देख के जितना भी मेरा स्ट्रेस होता है इन्हें देख के दूर हो जाता है। ये एक बैम्बू का पौधा है। और इसके बाद ये है मेरा झूला और साथ में पेटियो। और वो जो बड़ी सी पेड़ मैंने दिखाई थी उसमें इस तरह का जो मनी प्लांट है वो मैंने आके लगाया था और पत्ते अभी इस तरह से खिले हुए हैं। और यहाँ पर
इस तरह से झूला, और यहाँ पर मेरा पेटियो, और यहाँ पर भी मैंने कुछ पिटूनिया के पौधे लगाए हैं जो हैंगिंग टॉप में हैं, बहुत ही कलरफुल है। और इस तरह से यहाँ पर बैठ के शाम का चाय पीना बहुत ही एक अलग सा एहसास है। और यहाँ पर भी कुछ मैंने इस तरह से पौधे रखे हैं, ये इंडोर प्लांट है तो इस तरह से शेड के नीचे मैंने यहाँ पर रखा है। और कुछ और पौधे जो है इंडोर वाले, उसको भी मैंने शेड के नीचे रखा है। और इन सब के मैं नाम नहीं जानती, लेकिन मुझे बहुत पसंद आते हैं तो मैं जाके इन्हें लेके आती हूँ, और इनको रख के मैं बहुत, मुझे एक अच्छा सा फील आता है कि मेरे पास इतना सुंदर सुंदर पौधा है, मैं इनके साथ रहती हूँ। और इस तरह से ये एक बहुत बड़ा सा हो गया है ये पौधा, और ये इस तरह से एक और पौधा, ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। कुछ पौधे के नाम तो मैं जानती हूँ। और ये देखिए मेरा पिटूनिया सब खिला हुआ है, बहुत सुंदर। और इसके बाद और इधर में मैं दिखाऊंगी यहाँ से कैसा दिखता है, ये देखिए बिल्कुल, मतलब तरह तरह के पेड़ पौधों से भरा हुआ मेरा ये गार्डन। यहाँ पर भी मैंने कुछ इंपेशंस फ्लावर लगाए हैं। और चलिए इस तरफ मैंने जो टब में प्लांट रखे हैं उसको देख लेते हैं। इस तरह से अलग अलग टब में अलग अलग पौधे का एक अच्छा खासा कलेक्शन है। ये बर्ड ऑफ पैराडाइज प्लांट है। और इस तरह से ये तो मनी प्लांट है, और ये एक पिंक कलर का फूल होता है उसका पौधा है ये। और यहाँ पर तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे रेड कलर के फूल होते हैं इस पौधे में। और नीचे स्नेक प्लांट, और यहाँ पर मैंने कुछ नयनतारा के प्लांट लगाए हैं जो अभी हुआ नहीं है अच्छी तरह से। और यहाँ पर एक लैंडस्केप बनाया है, इस पर नस्टेशियम का पौधा लगा दिया है, और पीछे बर्ड हाउस बनाया है। और बर्ड हाउस बनाने से ये जगह बहुत ही कलरफुल हो गया है, फूल तो कलरफुल थे ही साथ में बर्ड हाउस इस पर चार चांद लगा रहा है। और यहाँ पर इस तरह से अभी थोड़े से जो इम्पेशंस के पौधे थे वो मैंने थोड़ा लेट लगाया था तो अभी बड़े हुए नहीं हैं अच्छे तरह से। और यहाँ पर कुछ और पौधा, एक डालिया भी खिला हुआ है इस तरह से। ये देखिए मेरे बर्ड हाउस इस जगह में चार चांद लगा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर के टब है उसमें रोज़ का प्लांट है, और सारे ब्राउन टब में रोज़ का प्लांट है लेकिन अभी वो खिले नहीं हैं। गार्डन होते हैं तो कभी फूल खिलते हैं कभी झड़ जाते हैं। और इस तरह से मेरा ये सारा गार्डन, यहाँ पर कपड़े भी सूख रहे हैं। और आपको मैं दिखाऊं कि मेरा यहाँ पर काफ़ी सारा लीची का पौधा है, और जिस पे इस तरह से मतलब लीची लगेंगे, अभी छोटे छोटे कलियाँ आई है इस तरह से, चार पांच मेरे लीची के पौधे। और यहाँ पर नीचे एडेनियम का पौधा, और यहाँ से ये मेरा घर और ये मेरा गार्डन इस तरह से दिखता है। और यहाँ पर कुछ और फूल के पौधे और कुछ फलों के पौधे मैंने इस तरह से टब में लगाए हैं, क्योंकि ये मेरा क्वार्टर है, मेरा अपना घर नहीं है, क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर, इसीलिए मैंने इसको टब में लगाया। इस पौधे को देख रहे हैं, ये है मेरा कड़ी पत्ते का पौधा जिसको मैंने काट दिया था, अभी नए पौधे निकल रहे हैं। और यहाँ पर प्याज के पौधे कुछ मैंने इस तरह से किचन गार्डन, पुदीने भी है, बथुआ के कुछ, पालक इस तरह से, और ये भी एक फूल का पौधा है। और यहाँ पर जो चंद्रमल्लिका है वो खिले हुए थे बहुत सारे, अभी ये थोड़े से ख़त्म हो गए हैं खिलना। और यहाँ पर भी कुछ मेरा इम्पेशंस फ्लावर है जो मैंने थोड़ा बाद में लगाया था, इसलिए ये थोड़े से बड़े नहीं हुए हैं, कुछ दिन के बाद ये खिल जाएंगे।
और यहाँ पर भी इम्पेशंस लगाकर जगह को मैंने इस तरह से थोड़ा सा कलरफुल बनाया है। ये देखिए कितना सुंदर कलर का है ये सब फूल। और इसके आगे भी कुछ टब है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे नयनतारा के पौधे मैंने अभी लगाए हैं, ये इस पर फूल आए नहीं हैं। और यहाँ पर कुछ और पौधे जो बहुत ही सुंदर है, ये सारे पौधे अलग अलग तरह के हैं। ये देखिए किसी के छोटे पत्ते तो किसी के मोटे पत्ते इस तरह से। ये देखिए इसके पत्ते देखिए इतना अलग सा है। और इस तरह से कुछ और पौधे, ये बहुत ही सुंदर वाइट में ग्रीन कलर के डॉट डॉट है, बहुत ही सुंदर। और इस तरह से मेरा बोगनविला और पीछे एरेका पाम के ये देखिए बहुत सारे पौधे। और चलिए अभी मेरे बरामदे में मैंने कौन कौन से पौधे लगाए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर खाली मैंने पौधा ही रखा है जो पत्ते वाले हैं, फूलों का जो पार्ट है वो मैंने नीचे ही रखा है। यहाँ पर मेरी बेटी ने कुछ इस तरह के कुछ कुछ एनिमल को रखा है, ये एक छोटा सा बर्ड हाउस और ये एक बैम्बू का प्लांट है इस तरह से। और यहाँ पर कुछ और, ये देखिए यहाँ से मेरा पेटियो कैसा दिखता है। और ये तो फिडिलिपिक का पौधा है, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, छोटा छोटा मैं लाई थी। यहाँ पर एक नया पौधा मैंने लगाया है। और यहाँ पर कुछ मनी प्लांट हैंग किए हैं, ये एक अलग कलर का है, ये भी काफ़ी लंबा हो गया था, इसको फिर मैंने काट के कहीं और लगा दिया है। और इसका देखिए बेल कितना बड़ा हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये मनी प्लांट बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, बहुत ही सुंदर मेरा ये मनी प्लांट हुआ है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से बुद्ध जी को यहाँ पर रखा है। और पीछे स्नेक प्लांट, ये पान का पौधा है, और एक छोटा सा और स्नेक प्लांट। और इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा येलो फ्लावर भी यहाँ पर रख दिया है मैंने। यहाँ पर भी तीन तरह के पौधे, और यहाँ थोड़ा सा डेकोर इस तरह से। और ये है मेरा मेन डोर, और इसके आगे एक क्वीन चाइन मैंने लगाया है और कुछ मरक्कन लैंटर्न्स इस तरह से ये जगह। और यहाँ पर बैम्बू से बना हुआ कुछ डेकोर इस तरह से, देखिए सब बैम्बू से बना हुआ बहुत ही सुंदर। और इसके नीचे ये मेरे एरेका पाम, और यहाँ पर इस तरह से टेबल में इस तरह मैंने कुछ मूर्तियाँ रखी। ये एक और पौधा है, ये मैं नई लाई हूँ इसको। और यहाँ पर एक स्पाइडर प्लांट इस तरह के जो हाथी वाले जो पॉट होते हैं उसमें मैंने लगाया है, खूब अच्छे से ये बड़े हुए हैं। और इसके आगे और पौधा, ये इंडोर वाला पौधा है, ये देखिए बहुत ही सुंदर है ये भी पौधा। और उसके बाद ये इधर का नज़ारा देखिए, यहाँ पर एक और बैम्बू का प्लांट, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है ये। और उसके बाद एक यहाँ पर एक और पौधा, यहाँ पर मैंने दो पिटूनिया को रखा है, एक यहाँ पर एक और आगे एक टब है उसमें। और ये है पीस लिली, और ये एक स्पाइडर प्लांट का और वैरायटी इस तरह से। और कुछ और पौधा, और इसके ऊपर
यहाँ पर मैंने कुछ और पौधा हैंग किया है, बहुत ही सुंदर हैंगिंग पॉट में मैंने इस तरह का कुछ प्लांट लगाया। ये तो स्पाइडर प्लांट है। यहाँ पर एक बर्ड हाउस भी मैंने लगाया है और इस तरह से प्यारे प्यारे से पॉट में मैंने कुछ प्लांट लगाया है। यहाँ पर एक इस तरह से विंग चेन लगाया है बर्ड वाला। और बेल्कनी से मेरा ये गार्डन कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही कलरफुल। और आप मुझे बताइए, जो मैंने बाउंड्री वॉल के साथ में जो कलरफुल प्लांट लगाया है वो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये टूर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, और आप बेल बटन को भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इधर से ये गार्डन और मेरा पेटियो इस तरह से दिखता है। ये सारे मेरे प्लांट जो टब वाले हैं वो भी मैंने इस तरह से रखा है। और ये मेरा बालकनी, और आगे यहाँ पर इंपेशेंस से भरा हुआ। और ये है मेरा मधुमालती का पौधा। अभी इस पर फूल आए थे, लेकिन ये देखिए नयनतारा का जो प्लांट है उसमें कुछ कुछ यहाँ पर फूल खिले हैं। और इस तरह से ये मेरा गार्डन बहुत ही कलरफुल। आशा करती हूँ आपको भी मेरा ये गार्डन टूर अच्छा लगा होगा। ये बर्ड भी आया हुआ है। ये कहाँ जा रहा है? लगता है ये अपने घर की ओर जा रहा है। इस तरह से मेरा गार्डन, ये है मेरा गार्डनर भैया, जो इतने सारे मेहनत के पीछे इन्हीं का हाथ है। इतने सारे सुंदर सुंदर फूल इन्होंने ही लगाया है। और इस तरह से मेरा गार्डन बहुत ही सुंदर बन चुका है। और ऊपर मेरे फ्रेंड का घर है, उन्होंने भी बहुत सारा सुंदर सुंदर फूल लगाया है। अगले बार एक और वीडियो के साथ मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।